अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बॉटल बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने 2B पेंसिल इंतखाब किया है। ये मैं बॉटल या स्प्रे अपने सामने में रख देता हूँ और आपको इसके पिक दे दूँगा। सबसे पहले इस बॉटल की सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इमेजिनेटिव लाइन होती है ये, इसे हम बॉटम और टॉप से इसे क्रॉस करेंगे। जहाँ तक हमें हाइट रखनी है उसको पहले हम अंडरलाइन करेंगे। इसका बॉटम यहाँ तक होना चाहिए। अब क्योंकि इसके ऊपर कैप भी है, इसके पास स्प्रे का एक बट वो भी है, क्लिप भी है, और इसका शेप भी ऐसा है कि ऊपर से हमें थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा सर्कल को। पहला सर्कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका हाफ सेंटर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बॉटल के विड्थ हम रख लेते हैं राइट और लेफ्ट, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें। अच्छा, अब हमने इसको कर्व किया क्योंकि मुझे यहाँ राउंड ज़्यादा नज़र आ रहा है और यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। इसका जितना डिस्टेंस है उससे हम कम डिस्टेंस कर देंगे। इसके बाद हमने अंदर देखा, एक सर्कल और हमें नज़र आया और इसका जो टॉप है उसके अंदर एक कर्व आ रहा है, ये हल्का सा ऊपर की तरफ, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इस सेंटर लाइन के ऊपर यहाँ पर एक टॉप भी इस तरह से बना हुआ है। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा कर्व जो है वो सही हो। और रोटेशन का ये रूल है कि जब आप रोटेट करते हैं हाथ से कर्व को तो यहाँ पर सर्कल्स होने चाहिए। मतलब ये कि आप ऐसे ड्रॉ नहीं कीजिएगा, ये गलत मेथड है। ड्रॉ करते वक्त दोनों साइड से राइट और लेफ्ट को बैलेंस करते हुए और फिर सर्कल को रोटेट करते हुए आपने कंप्लीट करना है ओवल शेप को। अब हम आ जाते हैं इसके टॉप पर। ये टेक्निक है स्ट्रक्चर बनाने की। इसके बाद हम इसके डिटेल में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये कर्व है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। इसको अगर शेड करना चाह रहे हैं, मेरे राइट का सोर्स जो है वो राइट साइड पे है तो हम लेफ्ट साइड से इसको शेड करेंगे और राइट पर लाएंगे तो लाइट कर देंगे। ये एच टेक्निक है जो से मैं आपको बता चुका हूँ, एचिंग कर रहे हैं हम। अगर चाहें तो क्रॉस एच भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर डार्क लाइन दिया और ये एचिंग जो है वो डार्क शेड में कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्रॉस किया, लेफ्ट टू राइट हम इसे लाइट टोन की तरफ ले जाएंगे क्योंकि सोर्स हमारा राइट का साइड है। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी शेड है। इसको क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। बहुत सिंपल होती है ड्राइंग, अगर आप समझ समझ के करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। ये देखिए क्रॉस शीट से हम इसको
क्रॉस हैचिंग से हम इसकी टोन दे रहे हैं। यहाँ पर डार्कर टोन देने के लिए हमें इसकी टोन को और हाई करना होगा, फोर्स बढ़ानी होगी पेंसिल के ऊपर फोर्स बढ़ानी होगी और लाइन्स को क्लोज करना होगा, इस चीज़ की यहाँ पर हम हाई टोन दे सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत डार्क है, इस पर एचिंग के लिए फोर्स हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे। ये ऊपर का हिस्सा मिडिल टोन पर है और यहाँ पर ये शेडो बन रहा है, यहाँ पर शेडो बन रहा है, यहाँ शेडो बन रहा है, और बेस पे शेडो बन रहा है। यहाँ पर भी हम क्रॉस हैचिंग करेंगे।